जबलपुर में पिंजरा पोल को लेकर बड़ी गहमा गहमी का माहौल है। कहीं एक तरफ से जो है एक पक्ष रखा जा रहा है कलेक्टेड में, तो दूसरा पक्ष जो है अभी फिलहाल शांत बैठा हुआ है। इसी तरीके की जो है रिपोर्ट लेकर के अभी हमारे साथ यहाँ पर AK सिंह जी हैं। भाई साहब, आप कलेक्टेड आए हैं, क्या कुछ खास वजह है इसकी? हाँ, मैंने पिंजरा पोल के संबंध में एक कंप्लेन की थी 6वें महीने में, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। तो उसी के संबंध में मैंने फिर आज जनसुनवाई में मैं कलेक्टर महोदय के समक्ष आया, तो यहाँ पे मैडम ने जनसुनवाई में सुना तो उनने आश्वासन दिया कि आपकी शिकायत पे कार्रवाई हो रही है और लगभग जांच हो चुका है पूरा, और जांच के बाद जो भी अभी निष्कर्ण आएगा तो अभी बहुत जल्दी ही उसका पे FIR दर्ज कराई जाएगी और आप लोग को भी बुलाया जाएगा संबंधित दस्तावेज के साथ। तो कोलीपास वाले मामले में पूरा मैंने ये प्रकरण बना लिया, लगभग जांच हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत जो भी उनका बचा हुआ। तो उनने फिर से आज मेरे सामने SDM से बात की 10 मिनट तक, उनने बोला कि आप इस पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और जो भी तथ्य उसको सामने रखें। मतलब आप बता रहे हैं कि जो पोली पाथर वाली घटना हुई, जो मामला है वहाँ का, उसको उस पर जो है SDM संज्ञान ले चुके हैं, मतलब मामले की जांच जो है कहीं ना कहीं हो चुकी है। हाँ, कलेक्टर साहब के को जो मैंने कंप्लेंट किया था तो उस पर इन्हें शिकायत पर कार्रवाई कर लिया है, जाँच कर रहे हैं और जाँच जो थोड़ा बहुत जाँच बचा हुआ है तो जो भी शासकीय दस्तावेज उसको खंगाल रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से जांच कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्दी ही मतलब जो दोनों सभी तत्पथ जो मतलब इसमें उम्मीदवार हैं जो शिकायतकर्ता हैं और जिनकी ज़मीनें और जिनने बेची हैं उनको बुला करके ये उनसे क्लेरिफिकेशन उनसे दस्तावेज मांगेंगे, जैसा कि मैडम ने बताया और बोला है कि बहुत जल्दी मतलब विद इन 1 or 2 weeks के अंदर में ये चीज़ हम सॉल्व करवा लेंगे। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही जो ये मामला है पिंजरा पोल का और जो ये जो पोली पाथर का मामला है पूरा एक तरीके से, ये जो भी इसमें अभी घटनाक्रम चल रहा है, जो भी इसमें जाँचें, क्योंकि बताया जा रहा है SDM महोदय ने जांच पूरी कर ली है और कुछ ही चीज़ें जो है और भी आगे करना बाकी है। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता निमेश मिश्रा, द लुक न्यूज़, जबलपुर।